अब वीडियो अगर आपने ओपन कर ही लिए तो सुनो यार, सब्सक्राइब कर दो चैनल को ताकि आगे भी आपको WWE AEW से रिलेटेड कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जानने को मिलते रहे जिन पर आपने क्लिक किया है, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना आप बिल्कुल भी मत भूलना। तो गाइज, आज की जो वीडियो है काफ़ी सारी कमाल के इंटरेस्टिंग अपडेट से जुड़ी है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं फाइनली आप सभी के लिए जॉन सिना को लेकर एक अपडेट लेकर आया हूँ, क्योंकि उनके हिसाब से कौन सी होने वाली वो ड्रीम टैग टीम जिसके साथ वो करना चाहते हैं रेसल WWE के अंदर। इसके अलावा बात करेंगे रोमन रेंस ने सपोर्ट किया एक फैन को जिसका मजाक उड़ाया था किंग कॉर्बन ने, और इसके अलावा बात करेंगे आज की इस वीडियो में गोल्डबर्ग नहीं हरा पाएंगे द फिएंड को सुपर शोडाउन इवेंट में, कौन से WWE के लेजेंडरी सुपरस्टार ने कहा है। इसके अलावा WWE का एक बहुत ही बड़ा सुपरस्टार जो कि काफ़ी जल्दी जाने वाला AEW के अंदर, और उसने खुद इस बात को कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होगी, बस आपको इस वीडियो के अंत तक जरूर देखना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले द फिएंड एंड गोल्डबर्ग के बारे में, इन दोनों के मैच के बारे में जो कि होने वाला है सुपर शोडाउन इवेंट में, और कौन से WWE के लेजेंडरी हॉल ऑफ फेमर ने कहा है कि वहां पर गोल्डबर्ग नहीं हरा पाएंगे द फिएंड को। तो आपको बता दो वो सुपरस्टार हैं वर्ल्ड स्ट्रांगेस्ट मैन मार्क हेनरी। तो रिसेंटली मार्क हेनरी का हुआ था एक इंटरव्यू जहां पर उनसे पूछा गया कि आपके हिसाब से कौन से सुपरस्टार हमें जीता हुआ नजर आ सकता है सुपर शोडाउन इवेंट में, जब वहां पर एक आइकॉनिक मैच होगा गोल्डबर्ग एंड द फिएंड के बीच। सबसे पहले उनका कहना यह था कि वो काफी ज्यादा खुशकिस्मत है ऐसा इसलिए क्योंकि अभी फिलहाल वो कंपनी के साथ काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें ब्रे वायट के साथ काम नहीं करना पड़ेगा जो कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्केरी है। और साथ ही साथ में बात करते हैं गोल्डबर्ग के बारे में, उनका कहना ये होता है गोल्डबर्ग में काफ़ी ज़्यादा ताकत है लेकिन उनके हिसाब से गोल्डबर्ग वो पहले सुपरस्टार नहीं होंगे जो कि हराएंगे द फिएंड को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, और नो डाउट गोल्डबर्ग काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले हैं सुपर शोडाउन इवेंट में, लेकिन द फिएंड स्टिल डोमिनेट करेंगे और सुपर शोडाउन इवेंट में वो अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे गोल्डबर्ग के खिलाफ, और रेसलमेनिया में कोई और अगले सुपरस्टार का फेस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो मार्क हेनरी का कहना है वो मेरे हिसाब से काफी अजीब है क्योंकि भाई गोल्डबर्ग में भी मेरे हिसाब से कैपेबिलिटीज हैं कि वो हरा सकते हैं सुपर शोडाउन इवेंट में अगर WWE एक ड्रीम मैच सेटअप करना चाहते हैं गोल्डबर्ग वर्सेस रोमन रेंस के बीच रेसलमेनिया 36 में। लेकिन इसके बारे में आपका क्या कहना है नीचे मुझे कमेंट्स में बताना, आपके हिसाब से क्या सही में गोल्डबर्ग के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो द फिएंड को हरा देंगे WWE के सुपर शोडाउन इवेंट में। जो अगली अपडेट है हमारी वो इस बार जुड़ी है WWE के एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार के बारे में जो कि काफी जल्दी हमें AEW यानी कि ऑल इलीट रेसलिंग प्रमोशन को ज्वाइन करता हुआ नजर आ सकते। तो आपको बता दो रिसेंटली EC3 एंड क्रिस जेरिको की काफी बड़ी फोटो आई है सामने, और इसका जो भाई कैप्शन है वो काफी ज्यादा कहीं ना कहीं बड़ा है ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर क्रिस जेरिको ने इस बात को टीज किया कैप्शन के थ्रू कि EC3 के काफी बड़े प्लान होने वाले #AEW। और यहां से बात मैं कंफर्म कह सकता हूं कि अभी फिलहाल EC3 के साथ WWE के अंदर कुछ भी ढंग का नहीं हो रहा है, और क्रिस जेरिको के हिसाब से फाइनली मेरे हिसाब से उन्होंने मना लिया है AEW में ज्वाइन होने के लिए EC3 को, और काफी जल्दी जैसे उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा WWE के साथ हमें EC3 क्रिस जेरिको को ज्वाइन करते हुए नजर आने वाले हैं ऑल इलीट रेसलिंग प्रमोशन में। तो कहीं ना कहीं WWE के लिए काफी बड़ा घाटा हो सकता है, EC3 एक पॉपुलर सुपरस्टार जरूर है लेकिन WWE उन्हें यूज नहीं कर रही, तो मेरे हिसाब से अगर उन्हें अपना फ्यूचर सही करना है तो उन्हें AEW के साथ काफी ज्यादा जाना जरूरी है। इसके बारे में आपका क्या कहना है नीचे मुझे बताना कि जो लगातार WWE के सुपरस्टार्स उसे लीव करके ज्वाइन कर रहे हैं AEW। जो इस बार की हमारी अगली अपडेट है वो जुड़ी है हम सभी के फेवरेट यानी कि द बिग डॉग रोमन रेंस के बारे में। इसके अलावा रोमन रेंस ने किया सपोर्ट इंडिया के एक फैन को जिसकी बेइज्जती की थी किंग कॉर्बन ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए। तो आपको बता दूं जो पूरी स्टोरी है वो शुरू होते एक ट्विटर अकाउंट के जरिए जहां पर कुमार गौरव की तरह से कमेंट आता है कि पता नहीं WWE कर क्या रही है, उनको देखना था एक ड्रीम मैच रेसलमेनिया से पहले जो कि होगा रोमन रेंस वर्सेज गोल्डबर्ग के बीच, लेकिन WWE बार बार वही दिखा रही है जिससे हम थक चुके हैं जो कि है रोमन रेंस वर्सेज बैरन कॉर्बन के बीच। लेकिन आखिर में जो लाइन लिखते हैं उनका कहना ये होता है कि मुझे पता है कि WWE जो अपने ऑडियंस है उसके इमोशंस वगैरह समझेगी और काफ़ी जल्दी वो ये सब ठीक भी कर देगी, लेकिन इस पर किंग कॉर्बन रिप्लाई देते हैं दिस इज यू राइट नाउ, और यहाँ पर काफ़ी कह सकते हो रोने वाला GIF उन्होंने पोस्ट किया था। लेकिन रोमन रेंस इस पर कहना ये था कि ये तुम होने वाले हो जब तुम स्टील केस से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो काफी ज्यादा बड़ा मजाक उड़ा दिया रोमन रेंस ने यहां पर, और इंडिया के फैन को सपोर्ट किया जो कि काफी अच्छी चीज लगी रोमन रेंस की, भाई उन्होंने किंग कॉर्बन का अलग ही मजाक बना डाला और आखिरी में वो लॉल भी जरूर लिखते। तो मैं कह सकता हूं किंग कॉर्बन वर्सेस रोमन रेंस की स्टोरी लाइन देखकर हम सभी भी बोर हो चुके हैं, और मेरे हिसाब से फाइनली सुपर शोडाउन इवेंट इज द लास्ट शो वेयर वी सॉ रोमन रेंस वर्सेस किंग कॉर्बन इन अ स्टील केज मैच। अब जो हमारी अगली एंड फाइनल अपडेट है वो जुड़ी है हम सभी की फेवरेट जैसा मैंने कहा नेशन एडे 16 टाइम चैंपियन जॉन सिना के। इसके अलावा जॉन सिना का क्या कहना उनके एक ड्रीम टैग टीम के बारे में जिसके साथ वो रेसल करना चाहते हैं WWE के अंदर। अब आपको पहले बता दो वो कोई WWE सुपरस्टार नहीं है जिसके साथ जॉन सिना एक टैग टीम फॉर्म करना चाहते हैं, बल्कि वो हैं हॉलीवुड के सुपरस्टार विन डीजल जिनके साथ अभी फिलहाल जॉन सिना फास्ट एंड फ्यूरियस 9 में काम कर हटे हैं, और जॉन सिना के हिसाब से विन डीजल के अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज हैं जो कि WWE के एक सुपरस्टार में होनी चाहिए, और जॉन सिना के हिसाब से विन डीजल एंड जॉन सिना अगर उनको टाइम
मिलता है हॉलीवुड कैरियर से, तो दोनों काफ़ी जल्दी हमें WWE के अंदर एक मैच रेसल करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये है जॉन सीना की ड्रीम टैग टीम जिसके साथ वो करते चाहते हैं रेसल WWE के अंदर। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है नीचे मुझे कमेंट्स में बताना, आपके हिसाब से क्या सही में विन डीजल के पास हैं कैपेबिलिटीज कि वो जॉन सीना के साथ एक टैग टीम में रेसल कर सकें WWE के अंदर, और क्या वो जॉन सीना को मैच जिता सकते हैं या फिर नहीं, इसके बारे में भी आप लोग नीचे मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। लेकिन बस जो आज की जो वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो नीचे वीडियो को लाइक किए बिना कहीं मत जाना। और कल ये काफी कमाल की चैनल पर वीडियो आने वाली है रेसलमेनिया की मेरी प्रेडिक्शंस को लेकर, आप उसे भी जरूर से चेकआउट करना क्योंकि वहां पर मैंने ट्राई किया कुछ न्यू ग्राफिक्स एंड न्यू एनिमेशन। और जैसे मैंने कहा बस आज की इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड कर रहा हूं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो नीचे वीडियो को लाइक किए बिना कहीं मत जाना, चैनल पर नए तो कर सकते हो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन, साथ ही साथ कमेंट करके अपने थॉट्स भी आप लोग मुझे बता सकते हो। वीडियो को साथ साथ शेयर जरूर कर देना, मैं भी थक गया हूं काफी ज्यादा, सोने जा रहा हूं थोड़ी देर में, और मिलता हूं मैं आपसे कल और काफी जल्दी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।